सो गाइज वेरी वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब हम कोई वीडियो शूट करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या मैं सारी चीज़ें कैसे क्या क्रिएट होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वीडियो अभी की नहीं है, वीडियो मैंने शूट करके रखा था, मैं अपलोड करने का सोच रही थी बट नहीं कर पा रही थी, तो अभी मैं कर रही हूँ इसको कि जब हम कोई वीडियो शूट करते हैं उसके बैक साइड में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चलो वो आपको दिखाते हैं। एंड ऑल्सो ये इस जो अभी मेकअप है इसको भी रिमूव करते हैं आपके साथ, तो चलो शे अभी मैं आपके साथ मेकअप अप्लाई करते हुए दिखूँ, आज मैं मेकअप रिमूव करते हुए आपके सामने आऊँगी। तो गाइज ये है ना यहाँ पे, सॉरी, ये है जो चीज़ें जब व्हेनेवर जब भी मेकअप अप्लाई करो, कोई भी मेकअप वीडियो शूट करो, तो उसके बाद जो मेस क्रिएट होता है वो है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे भी जो मेकअप की चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, सो अभी इस बैंगल बॉक्स की बारी है, मैं इसमें सारी अपनी बैंगल्स रख रही हूँ। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी बैंगल्स रिमूव करने से, जो अपना बिहाइंड द सीन है वो स्टार्ट कर रही हूँ। बैंगल्स मैं मोस्टली टाइम जब भी रिमूव करती हूँ ना तो कुछ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही रिमूव करती हूँ। तो जस्ट अभी मैं वही कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया, साई बैंगल्स को उतारा एंड उनको सेट करके रखा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं शूट के बाद ऐसे चीज़ों को नहीं इधर उधर फेंकती हूँ। एंड अभी मैं इसको निकालने में परेशान हूँ जो मैंने गले में पहन रखा है। ये वीडियो मैंने कब शूट किया था मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, बट हाँ अपलोड करने के लिए मैंने इसको शूट किया था बट शूट नहीं कर पाई थी। तो ये मैं दोनों अपने जो गले में पहन रखा है मैं इसको निकाल रही हूँ। और अभी फटाफट से अब सारी चीज़ों को, जो मैंने ज्वेलरी पहन रखी थी और जो भी मेकअप की चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम होती है एक वीडियो को शूट करने में यार। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच तक नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत को थोड़ा सा तो अप्रिशिएट किया करो, सिर्फ एक लाइक ही चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अभी सारी चीज़ों को जो मैंने पहन रखा था उतारने के बाद अब मैं मेकअप को रिमूव करूँगी। तो मेकअप रिमूव के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आयुर्वेदा क्लींजिंग मिल्क, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसीलिए मैं हमेशा इसी को प्रेफर करती हूँ, इसी को यूज़ करती हूँ। अभी आप लोग देखोगे ना कि कितना ईजली मीन्स कोई भी फेस पे मेरे मेस नहीं होगा और अच्छे से आईलाइनर एंड मेरा ओवरऑल मेकअप रिमूव हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कॉटन पैड की हेल्प से अपने मेकअप को रिमूव करना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग किया है, नहीं तो प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा होती आप लोगों को पता ही है। तो मैं जब कॉटन पैड पे लेती हूँ ना क्लींजिंग मिल्क या फिर जो भी आप मेकअप रिमूवर लो, उसे डायरेक्टली अपनी आईज़ पे मत ले जाओ, उसे सबसे पहले अपने फेस पे थोड़ा सा टैप टैप कर लो, उसके बाद आप ना उसके बाद उसे अपने आईज़ पे ले जाओ, बट विदाउट पैट किए उसको अपने आईज़ पे मत ले जाओ, अदरवाइज़ वो डायरेक्टली आईज़ पे लग जाएगा पूरा ज़्यादा सी क्वान्टिटी में। एंड इस तरीके से अप्लाई करने के बाद अब मैं अगेन उसको अपने हाथ में थोड़ा सा वो क्लींजिंग मिल्क ले करके फेस को मसाज कर रही हूँ, ताकि जो भी एक्सेस है ना मेकअप की वो सब रिमूव हो जाए। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और अब मैं फेस वॉश करके एंड चेंज करके आती हूँ। तो ये था कुछ इस तरीके से जब भी हम कोई वीडियो शूट करते हैं, कोई मेकअप ट्यूटोरियल या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद ना जो बिहाइंड द सीन प्रॉब्लम्स होने सी होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट करना तो बनता है ना यार, एंड लाइक भी करना वीडियो को। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ।